तहसीलदार गुना को अपने साथ मिलाकर प्रशासन को गुमराह करने में भूमाफिया लगे हुए हैं। विवादित भूमि के विवाद का निपटारा हो जाने की मनगढ़ंत खबर उन्होंने प्रकाशित करा दी। गुना न्यायालय के स्टे ऑर्डर हटने की अफवाह फैलाकर गुना शहर के बीचों बीच भूमाफियाओं के द्वारा प्रशासन को गुमराह कर तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव गुना को अपने साथ मिलाकर बेशकीमती करोड़ों की जमीन बेचकर लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। गुना शहर के पोस्ट ऑफिस रोड से लगी गायत्री मंदिर के पीछे की जमीन पर फर्जी तरीके से नामांतरण कराकर नारायण आचार्य और उसके भाइयों के द्वारा जमीन का विक्रय किया जा रहा है। इसके कारण जमीन पर हक रखने वाले कमल सिंह रघुवंशी के द्वारा अपने पुत्र के माध्यम से माननीय व्यवहार न्यायालय गुना में दावा चल रहा है। प्रकरण के द्वारा सिविल न्यायालय गुना ने मौके पर यथास्थिति का आदेश रखा है। इस संबंध में 8 सितंबर को समाचार पत्र में मनगढ़ंत रूप से गलत खबर का प्रकाशन कर विवादित भूमि के विवाद का निपटारा हो जाने की सूचना भूमाफियाओं के द्वारा प्रकाशित कराई गई है। जबकि व्यवहार न्यायालय गुना में प्रकरण चल रहा है, जिस आदेश का हवाला समाचार पत्र में दिया है उसकी अपील गुना न्यायालय में होना है, जिसकी जमीन भी असली मालिक और वैध कब्जेदार कमल सिंह रघुवंशी और उनके पुत्र विश्ववीर सिंह रघुवंशी ने कर ली है। इसलिए आम लोगों को जागरूक करने के लिए इस खबर का प्रकाशन किया जा रहा है। नारायण आचार्य के द्वारा राजस्व दस्तावेजों में हेरफेर कर अपना नाम खसरों में इंदराज कराया है, जिसमें जमीन के नंबर बदल कर नामांतरण करा लिया गया है, जो कि सिविल न्यायालय के द्वारा प्रकरण के अंतिम निराकरण के समय भूमि सर्वे क्रमांक 4445 में नारायण आचार्य के द्वारा की गई सभी रजिस्ट्रियां शून्य हो जाएंगी। आज के समाचार पत्र में एक गलत खबर प्रकाशन किया गया, जिसमें बताया गया कि गायत्री मंदिर के पीछे की जमीन जिसमें भूमि सर्वे क्रमांक 4445 है और नारायण आचार्य के नाम से जो राज खसरे में इंदराज है, उसके संबंध में विवाद का निपटारा हो गया है और सभी लोग इस जमीन को खरीदने के लिए आकर्षित हो जाएं। परंतु इसमें जिन लोगों ने खबर छपाई है उनको ये नहीं मालूम कि प्रकरण क्रमांक 209/20 कमल सिंह को शासन अभी इसमें विचाराधीन है, जिसमें माननीय न्यायालय महोदय ने 16 अक्टूबर 2020 को यथास्थिति का आदेश पारित किया था और उसके बाद प्रकरण को रोक दिया गया है। प्रकरण को रोक देने के कारण यथास्थिति का आदेश यथावत है और उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई किया जाना न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है।